उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से सर्किट हाउस में जनसुनवाई एवं समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग की सदस्य ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला उत्पीड़न की घटनाओं में तत्काल कार्यवाही करें और महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास करें। उन्होंने जनसुनवाई में आई हुई पीड़ित महिलाओं से एक एक करके उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश देने के साथ ही आख्या उपलब्ध कराने को कहा। जनसुनवाई में लगभग आधा दर्जन प्रकरण आए, जिसमें एक जमीनी विवाद से संबंधित एवं अन्य दहेज उत्पीड़न एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित थे। इस अवसर पर एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, एसडीएम खजनी गौरव श्रीवास्तव, महिला थाना के प्रभारी डॉक्टर शालिनी सिंह, प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह, समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि सहित आशा ज्योति केंद्र की प्रभारी मौजूद रहीं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर निर्मला द्विवेदी ने कहा, तो बाकी दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत रास्ते की है। हम जब पंचायत होता है ना गांव में, तो ये लोग जाते हैं गांव वाले लोग कहते हैं कि यार फिर तुम ले जाओ और ये हम लोग दे दिए। हम लोग वहाँ पे जो रास्ता बना वहीं पे हम लोगों का वो झोपड़ी टाइप का था, भूसा वो सब हटा हटा के हम लोग रास्ता बढ़िया से उनको दे दिए, लेकिन वो लोग अभी कवर करेंगे। बस रास्ता भी मिल जाए, पुलिस आगे परेशानी खत्म हो जाए, इन बच्चों की समस्या खत्म हो जाए। जरा ये मैटर आपको भी बताऊं उधर से आके, तो ये रास्ते नहीं दे सकता। सर ये मेरा घर है, ये बीच में किसी और का है, हमें एक ग्राउंड है, फिर उनका है हिंदू देवी का, इनका जी, फिर यहाँ पे मेरा खेत है जी। सब लेंगी तो इतना मेरा जमीन जाएगा ना, ये रास्ता नहीं बना हुआ है, नहीं रास्ता नहीं है ये। अच्छा। तो इन बच्चों ने 8 फीट दे दिया है। अच्छा। हम लोगों ने दे दिया है, अब हमको यहाँ जाना है तो हमको इनका चाहिए ना इतना। हाँ। तो इन लोगों ने इतना पूरा कवर कर लिया है, हम लोगों ने इतना दे दिया इनको। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा हटा दिया। थोड़ा मतलब व्यस्तता की बात भी दिखाइएगा इसलिए ना कि बच्चों का विश्वास टूट रहा है। सर ये गलत काम करके और जीतने की कोशिश कर रहे हैं, इल्जाम लगा के उनका यही धमकी रहता है बार बार, इसलिए हम लोग कुछ ज्यादा सब लोग बोलते नहीं है। और यहाँ दो आदमी ये आपका उसे कड़ी उपलब्ध करा दिया, तो वजह ये नहीं हो सकता है कि सर्किट हो गया। तो जो ये दोषी शादी किए थे वो उसका एफआईआर दर्ज वो लोग नहीं कर रहे हैं। किसका एफआईआर? जैसे दोषी शादी भी उन लोगों ने कर ली है, वो तो उसी में बढ़ जाएगा ना। एक पत्नी रहती है, अभी इससे कोई भी वो नहीं हुआ है। 488 में दर्ज है ना, एफआईआर कॉपी है। हां कॉपी है, पत्नी ने उसको बता दी उसमें ये है। जन सुनवाई हर महीने में प्रथम बुध को और अंतिम बुध को, तीसरे बुध को हम लोग जाते हैं। जिसको जिस जिले में भेजा जाता है वो जाता है, और जो भी महिलाओं से संबंधित समस्याएं होती हैं उनका निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया जाता है, उस मौके पर ही सुलझा दिया जाता है। और कुछ का जिस जैसा जिसका होता है उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाती है, निर्देश दिया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी हो और महिलाओं को न्याय मिले। अभी तक कितने मामले भी आपके सामने आए? आज आज तो मेरे ख्याल से 4-5 हैं। हाँ सही बात है, अगर जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि कुछ दिन हो गया ये महिलाएं दौड़ रही हैं, तो प्रयास चल रहा था जहाँ भी ये गई थी, जहाँ भी लेटर लिखवाया था। अब हमारे यहाँ आई हैं, हमारे यहाँ एक आशा ज्योति केंद्र है, उस पर आई थी ये लोग, कार्यवाही चल रही थी, उसमें पूरा प्रयास किया जा रहा था और सफलता भी मिली है लोगों को।
हम लोग भी यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी महिलाओं को न्याय मिले, वो खुश हों, उनको समाधान मिले, हमारी तरफ से महिला आयोग की तरफ से संतुष्ट होकर जाएं, ऐसा हमारा पूरा प्रयास होता है। हाँ, दोनों मतलब कोशिश की जाती है। ज़्यादातर तो पति से ही परेशान होकर महिलाएँ आती हैं, मतलब ज़्यादातर मामले ऐसे ही होते हैं कि सास ससुर नहीं रख रहे हैं, परिवार वाले निकाल रहे हैं, या पति नहीं रख रहा है, या परेशान कर रहा है, मार रहा है। तो प्रयास ही होता है कि घर टूटने ना पाए, उसको बचाने का पूरा प्रयास करते हुए न्याय दिया जाता है, कोशिश की जाती है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। कभी कभी हाँ, घरेलू हिंसा अभी भी बरकरार है, जिसको कोशिश की जा रही है कि ना हो। भाई, हम सबका प्रयास तो यही होता है कि सभी सुखी हों, संतुष्ट हों। हमारी तरफ से अगर कहीं मतलब हम लोग यही चाह रहे हैं कि दरवाजे दरवाजे पहुँच करके भी हम लोग न्याय दें।